लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को बीजेपी ने आजमगढ़ से टिकट दिया है, यानी अब आजमगढ़ से एक्टर निरहुआ लोकसभा प्रत्याशी बन गए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ में मौसम गर्म है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार निरहुआ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें फिर टिकट देने वाली है और हुआ भी ऐसा ही। मालूम हो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जीत मिलने के बाद उन्होंने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, तब से यह सीट खाली है। वहीं बीते गुरुवार आजमगढ़ पहुंचे दिनेश लाल यादव ने सपा अध्यक्ष पर जमकर वार किया। निरहुआ ने कहा था कि साल 2019 के अखिलेश कहते थे कि आजमगढ़ और इटावा ही उनका घर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वह आजमगढ़ तक को छोड़ सकते हैं और ऐसा ही हुआ। अखिलेश ने लालच में आकर आजमगढ़ को छोड़ दिया। आजमगढ़ के लिए अखिलेश ने कुछ भी नहीं किया। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल ने कहा है कि अखिलेश वैसे भी सांसद पद पर होने के बावजूद आजमगढ़ में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उनके जाने से भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।